को लेकर कितनी तैयार है जेजेपी? तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है, पूरी तौर पर तैयार है और एक तारीख से पहले पीएसी की बैठक बुलाकर जो हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको फाइनलाइज भी कर लें और उसको पब्लिक डोमेन में भी देने का काम करें। हमारा उद्देश्य प्रदेश को कैसे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसको देखते हुए कैसे आगे बढ़ना है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए इनसो के स्थापना दिवस पर पार्टी ने 10 घोषणाएं करी है, जिसमें एक बहुत बड़ी घोषणा है कि अग्निवीर जो वापस आएंगे वो सिपाही से अफसर कैसे बने, उसके लिए हायर एजुकेशन चाहे वो पीएचडी तक करना चाहे उसका सारा कॉस्ट स्टेट बेयर करे। इसी तरीके से अब महिलाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का, जल्द पार्टी की जो कोर कमेटी है वो वर्किंग करके उन घोषणाओं को भी लेकर जनता के बीच में आने का काम करें। मैं मानता हूँ पिछली बार रविदास मंदिर हो, 75% रोजगार में कानून हो, 50% महिलाओं को पंचायत में हिस्सेदारी हो, 8% बैकवर्ड ए को हिस्सेदारी हो, जो पार्टी ने घोषणाएं करी उनको अचीव भी किया और आगे भी संगठन के साथी जो घोषणाएं करेंगे उनको मजबूती के साथ हम जनता के बीच में लेकर चलेंगे, जनता के विश्वास के साथ आने वाले समय में पूरा करने का काम। सर, आपने कांग्रेस को एक मैसेज दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा उम्मीदवार है उसके नाम का अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन उसके पलटवार में उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है और आप भी ये बात जानते हैं इसी वजह से आप ये बात कह रहे हैं। मेरे पास तो अगर 10 विधायक आज होते तो मैं नॉमिनेशन आपका भरवा देता। भूपेंद्र हुड्डा के पास तो आज भी 30 विधायक है, डरता क्यों है? मैदान है, मैदान में तो लड़ने वाले की जीत होती है, लड़ोगे नहीं हथियार गिर दोगे जीत कैसे हो। मैं तो ये बोलता हूँ अभी भी हमारे पास 16 घंटे हैं, हिम्मत दिखाए। अगर वो रात को भी हिम्मत दिखाएंगे कल सुबह मैं स्पीकर ऑफिस में उनके साथ बैठकर साइन करूँगा। वो तो हिम्मत ही नहीं दिखा सकते, डरते हैं और ये डर आज का नहीं है, 10 साल का। आप देखना आगे जब टिकटों का बंटवारा होगा वो डर वहां भी दिखेगा। सर, जो विधायक पार्टी छोड़ गए हैं जेजेपी के, क्या किसी पार्टी के संपर्क में है या कोई? वो तो उनसे आप पूछो, मुझे तो छोड़ गए और जो मुझे छोड़ गया मैं उससे क्यों संपर्क करूं? क्या लगता है कि कुछ जानबूझ के ऐसी कोई साजिश जेजेपी के खिलाफ की जा रही है? देखिए, साजिश हो, उनकी इच्छा हो, उनके स्वार्थ हो, उस पर तो बेहतर वो बता पाएंगे। पार्टी ने मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी और आने वाले भविष्य में भी कोई उनको ना दे पाएगा। अभी जेजेपी की क्या प्लानिंग है? हरियाणा को लेकर के गठबंधन की चर्चाएं तो थी, उसको लेकर भी स्पष्ट नहीं है। 90 विधानसभा में किस तरीके से आप देख रहे हैं? 90 हल्का प्रधान घोषित कर दिए हैं, 90 के 90 विधानसभा पर हल्का प्रधान अपनी कार्यकारिणियों के साथ काम शुरू कर चुके हैं और जल्द 90 सीटों पर जो पार्टी के चुनाव लड़ने वाले साथी हैं उनकी भी इनपुट हमारे पास आ जाएगी। हाँ, अलायंस के अंदर अगर कोई एक ऐसा साथी या दो साथी या तीन साथी हमारे साथ आते हैं जो प्रदेश को कैसे स्टेबिलिटी दे पाएंगे, कैसे हम आगे अच्छी सरकार चला पाएंगे, वो सोच को रखते हैं तो जरूर उस पर भी विचार। सर, किसी पार्टी से कोई बातचीत चल रही है? आप करा दोगे तो जरूर हो जाएगी। सर, एक देखते कहाँ पर आप, क्योंकि आप अगर बात करें ना तो बीएसपी की तरफ अभी कुछ आम आदमी पार्टी मना कर चुकी है, ऐसे में कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी से ना हमने चर्चा करी, अभी तक किसने मना किया है और क्यों किया है वो तो आपको बेहतर पता होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि वो इंडिया अलायंस का सदस्य है, अभी तो उनको तय करना है कि वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अलग होगी तो जरूर चर्चा करेगी, अगर वो कांग्रेस के साथ लड़ेगी तो हमारा साथ उनके चर्चा करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। आम आदमी अगर पहल करते तो आप लोग तैयार हैं इस पर? करेगी तो जरूर चर्चा करेगी, चर्चा कर अगर हमारे दोनों का या कोई तीसरा चौथा पांचवा मिला के कोई सहमति बनेगी तो व्हाई नॉट। मगर आज के दिन शायद जननायक जनता पार्टी ने ना उस डायरेक्शन में सोचा है ना हम सोचेंगे, हम अपना 90 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई नहीं होगा तो सबसे युवा कैंडिडेट्स प्रदेश में उतारेंगे, क्या पता ऐसी जो सीट है जहां हम थर्ड आए उसको 5 साल बाद तो हम फर्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमने पीछे भी देखा है आगे भी देखेंगे। इस बार लोकसभा में हमने 5 कैंडिडेट युवा उतारे थे, मुझे खुशी है कि 5 साल बाद के लिए तो लोकसभा के तैयारी कर फर्स्ट सेकंड पोजीशन की लड़ाई लड़े।
2019 में जेजेपी एक किंग मेकर की भूमिका में रही थी, 2024 में किस तरह से देखते हैं सरकार? तो आज भी कहता हूँ और 19 में भी कहता था, ताड़ा हम ही खोलेंगे। एक मैनिफेस्टो जो आपने रखा था, 5100 पेंशन, 75% नौकरी, प्रयास करा, आगे बढ़े, सफल पूरी तरह से नहीं हुआ, क्या उसको दोबारा से लेकर चलने वाले हैं? दीपक, 3000 बुढ़ापा पेंशन किसी और प्रदेश में हो तो 75% का कानून लाके, वैसे तो प्रधानमंत्री ने भी जुडिशियल कैसे कोलिजियम बने कानून लाया था, कोर्ट ने स्टे करा। कोर्टों के ऊपर जो कदम उठते हैं शायद पॉलिटिकल पार्टी नहीं उन पे ज्यादा कर पाती, लड़ाइयां लड़ पाती है कोर्ट के अंदर। हमारे घोषणा पत्र का एक ऐसा विषय बताओ जिसको हम चला ना पाए, शायद आपको भी ना पता, क्योंकि हमने हर विषय पर काम किया। आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में हिंदी लागू होगी, लागू कराई यार, और राष्ट्रपति का अप्रूवल लेके लागू करवाई। पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का जो कानून था हमने लागू कराया, लाल डोरा मुक्त हरियाणा बनाने का कदम हमने उठाया, आज प्रधानमंत्री ने 8 और प्रदेशों में लागू किया। डिजिटल लाइब्रेरी गांव में बने, ये किसका सपना? हमारा था। 1200 डिजिटल लाइब्रेरी निर्माणाधीन है, 100 से ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी आज प्रदेश में चल रही है। स्पोर्ट्स के जो हमारे युवा हैं उनकी डाइट 150 से 400 रुपए हमने करवाई और उसको 1000 भी आगे हम करेंगे। प्रोजेक्ट हिसार एयरपोर्ट जब आप डिप्टी सीएम से काफी आपने उसके लिए कोशिश की, मेहनत की, लेकिन उसके बाद अभी क्या वो अधर में रुक गया है? नहीं, अधर में नहीं है, जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं उसको बोल नहीं सकता। अब पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वहां पर कैलिब्रेशन के लिए प्लेन आए थे, 1 महीने तक कैलिब्रेशन चलनी है, और 1 महीने में साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये प्रपोजल हमने पहले ही भेज रखा था कि इसको डी लाइसेंस कर दिया गया था जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उसकी लाइसेंसिंग अप्लाई कर दी है सरकार।